नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को champion.gov.in नाम का पोर्टल लॉन्च किया, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के लिए शिकायत निवारण और नए व्यवसायी अवसरों की खोज पर फोकस करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में पहली बार सरकार रेहड़ी पटरी वालों और ठेले पर सामान बेचने वालों के लिए रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है, जो इस योजना से 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए हमने न केवल MSME सेक्टर की परिभाषा बदली है, बल्कि इसमें नई जान फूंकने के लिए कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिससे कि छोटे और मध्यम लोगों को लाभ मिलेगा और इससे रोजगार का अवसर भी मिलेगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड समेत आसपास क्षेत्रों में साइक्लोन सर्कुलेशन का असर है। मौसम पूर्वानुमान के तहत 2 से 5 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मेघ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और छत्तीसगढ़ तक बने टास्क लाइन के कारण झारखंड में आंधी बारिश हो रही है। जैक 9th का रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे होगा जारी। झारखंड एकेडमी काउंसिल का कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट आज 2 जून को जारी कर दिया जाएगा, जिसकी जानकारी जैक सचिव महीप कुमार सिंह ने दी। सभी छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट आज दोपहर 1 बजे जैक की वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस वर्ष परीक्षा में राज्य भर के 4,22,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। उधर 8वीं का रिजल्ट भी इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद 11वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। झारखंड में आज 35 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो जमशेदपुर से 10, हजारीबाग से 3, गढ़वा से 2, कोडरमा से 4, गिरिडीह से 1, रांची से 2, लोहरदगा से 2, गुमला से 1, धनबाद से 8, सिमडेगा से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 635 से बढ़कर 670 हो गई, जबकि 277 लोग स्वस्थ हुए और 5 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 198,317 है, जबकि 95,714 लोग स्वस्थ हुए और 5608 लोग की मृत्यु हो गई। राज्य में एक्टिव केस कहाँ कितना 1 जून के अनुसार, रांची 23, बोकारो 7, हजारीबाग 31, धनबाद 34, गिरिडीह 14, सिमडेगा 14, कोडरमा 19, गढ़वा 13, पूर्वी सिंहभूम 115, पश्चिमी सिंहभूम 15, साहिबगंज 1, खूंटी 5, पलामू 3, पाकुड़ 5, गुमला 22, रामगढ़ 24, लोहरदगा 4, लातेहार 10, सरायकेला 4। यह आंकड़ा 1 जून रात्रि 9 बजे के अनुसार है। राज्यसभा के लिए 19 जून को होगा चुनाव। भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राज्यसभा चुनाव के मतदान और परिणाम की तिथि घोषित कर दी है। 19 जून को राज्यसभा चुनाव होगी, जो झारखंड में 2 सीटों के लिए चुनाव होना है। हम आपको बता दें कि दोनों सीटों के लिए नामांकन पूर्व में ही हो चुका है। यह चुनाव 26 मार्च को ही होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। इस चुनाव में झारखंड में शिबू सोरेन, शहजाद अनवर और दीपक प्रसाद उम्मीदवार हैं। झारखंड में 30 जून तक मिली छूट व गाइडलाइन इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाई लेवल मीटिंग के बाद नई गाइडलाइन सोमवार 1 जून को जारी कर दी है, जिसके तहत झारखंड में कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। हम आपको पहले ही बता दें कि ये सभी छूट कंटेनमेंट जोन में नहीं दी जाएगी और धार्मिक स्थलों को झारखंड में खोलने की अनुमति नहीं होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाज़त मिली है, जिसमें ऑटो रिक्शा, टेम्पू, ई रिक्शा व सामान्य रिक्शा सम्मिलित हैं। शेष खुलने वाली दुकानें इस प्रकार हैं: जेवर की दुकानें, मोबाइल दुकानें, साइकिल, पंचर दुकानें, पंखा, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, घड़ी दुकान, किचन बर्तन की दुकान, फर्नीचर दुकान, रेस्टोरेंट जो सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे सम्मिलित हैं। ये सभी 1 जून से 30 जून तक प्रभावी होंगे, जो कंटेनमेंट जोन में अनुमति नहीं दी गई है। श्रमिक मजदूरों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों से की अपील। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुर्गम स्थानों में फंसे झारखंड के प्रवासी को वापस लाने के लिए सभी उद्योगों व कारपोरेट घरानों से अपील की है। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि अभी भी दुर्गम स्थानों में सैकड़ों लोग फंसे हैं। सभी उद्योगों, कारपोरेट घरानों से मेरी विनम्र अपील है कि वे सभी श्रमिक को निकालने में मेरा समर्थन करें। प्रवासियों को 2 माह का मुफ्त अनाज के लिए निबंधन अनिवार्य। प्रवासी मजदूर जो 2 माह का मुफ्त अनाज लेना चाहते हैं, उनके लिए बाजार नाम के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर अपना पूरा जानकारी भरनी होगी। इस जानकारी को उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड पदाधिकारी सत्यापन करेंगे, उसके बाद डीलर द्वारा मजदूर को अनाज मिल सकेगा। हम आपको बता दें कि प्रत्येक प्रवासी को 5 kg अनाज दिया जा रहा है। पुलिस सम्मान में सम्मिलित संगठनों की होगी जाँच।
संक्रमण काल में ड्यूटी पर तैनात पुलिस स्वास्थ्य कर्मी समेत अन्य को सम्मानित करने वाले संगठनों पर जांच शुरू कर दी गई है। मुख्यालय से जारी अलर्ट के अनुसार राज्य की खुफिया एजेंसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बताया गया है कि नक्सली दस्ता योद्धा सम्मान की आड़ में नक्सल क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों के हथियार व वायरलेस सेट हासिल करने के लिए हमला कर सकते हैं। नक्सलियों ने एंटी नक्सल ऑपरेशन में सम्मिलित पुलिस पर हमला करने की रणनीति तैयार की है। इतिहास शिक्षक नियुक्ति मामला की चुनौती खारिज। जेएसएससी द्वारा इतिहास के शिक्षक नियुक्ति मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई की, जिसमें डॉक्टर रवि रंजन ने प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इतिहास संपूर्ण विषय है, इसलिए सिर्फ प्राचीन माध्यमिक व आधुनिक इतिहास की डिग्री रखने वाले इस नियुक्ति में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। HEC ने बेरोजगार लोगों के लिए जल्द ही कंप्यूटर का कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया है। इससे कंपनी के कामगारों के साथ अन्य लोगों को भी फायदा होगा। यहां से प्रशिक्षण लेने के बाद युवा किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं या खुद का व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। कंपनी को मजदूर संगठन द्वारा भी प्रशंसा की जा रही है। जल संसाधन विभाग में पिछले 3 साल के टेंडर की होगी जाँच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जल संसाधन विभाग के अंतर्गत पिछले 3 साल में किए गए सभी टेंडरों की जांच का आदेश दिया है। इस जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जाएगा। कमेटी द्वारा जांच के बाद 30 जून 2020 तक प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश भी दिया गया है। झारखंड में पानी रोको और पौधा रोपो अभियान शुरू। झारखंड में ग्रामीण क्षेत्र की 3 योजनाओं के तहत पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत 1 जून से कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की। मंत्री श्री आलम ने कहा कि बड़ी आबादी को रोजगार तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों से गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में रखने के उद्देश्य को पूरा किया जाएगा। कृषि ऋण और बिजली बिल माफ करे सरकार। राज्य भर के किसानों का कृषि ऋण और बिजली बिल माफ करने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को फसल नुकसान का भी मुआवजा दे ताकि किसान की स्थिति अच्छी हो सके। सांसद ने इस बात को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखा है। राजस्थान और लुधियाना से पहुंचे 1375 श्रमिक मजदूर। राज्य में श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में 1 जून को लुधियाना से 600 और जयपुर से 775 प्रवासी श्रमिक कोडरमा और पलामू के डाटेंगे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। सभी का मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद उनके गंतव्य तक छोड़ा गया। LPG गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा। तेल कंपनी ने घरेलू गैस की कीमत में वृद्धि कर दी है। ऐसे में 14 KG के LPG सिलेंडर की कीमत में 48.50 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। झारखंड में अब यह सिलेंडर नॉन सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 646 रुपये तथा व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम 1238 रुपये 50 पैसे देना होगा। धनबाद नगर निगम में हुए 200 करोड़ के घोटालों की जांच करेंगे ACB। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग 200 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच ACB को सौंप दिया है। हम आपको बता दें कि 14वें वित्त आयोग की राशि से धनबाद नगर निगम में 40 सड़कें स्वीकृति की गई थी, जिसमें कई PCC सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता की कमी समेत कई शिकायत मिली है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बोकारो स्टेशन पर महिला ने बच्ची को दी जन्म। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौट रही सिमडेगा की महिला ने बोकारो स्टेशन पर एक बच्ची को जन्म दिया। महिला केरल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन द्वारा कोडरमा पहुंची। अचानक लेबर पेन शुरू होने के बाद ट्रेन के कोच में ही महिला RPF की मदद से डिलीवरी कराई गई। साहिबगंज में भक्तों ने गंगा दशहरा पर लगाई डुबकी। गंगा दशहरा पर साहिबगंज में भक्तों ने सोमवार को पतित पावनी गंगा में डुबकी लगाई। भक्तों के अनुसार जेठ शुक्ल दशमी तिथि को हर साल गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन जिले व आसपास के लोग गंगा में डुबकी लगाकर मां गंगा की पूजा आराधना करते हैं। लोगों के अनुसार ऐसा करने से सारा पापों से मुक्त मिल जाती है। जड़ी बूटी पर शोध करने की जरूरत, अर्जुन मुंडा। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद और रांची बीवी के इतिहास विभाग की ओर से वेबिनार का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन रांची बीवी के कुलपति डॉक्टर रमेश कुमार ने किया। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुझाव दिया कि आयुर्वेद से जड़ी बूटियों पर शोध करने तथा उससे डॉक्यूमेंटेशन पर भी ध्यान करने की आवश्यकता है।
पटना रांची जनशताब्दी से पहले दिन पहुंचे 1253 यात्री रांची। सोमवार 1 जून को रांची रेलवे स्टेशन पर पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन पहुंची, फिर वहां से पटना के लिए जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन प्रस्थान कर गई। रांची रेल मंडल पर ट्रेन संख्या 02365 पटना रांची जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन दोपहर 12:33 पर रांची रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसमें 1253 यात्री मौजूद थे। पलामू गढ़वा गुमला लातेहार न्यूज। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत निवासी युवक रिवॉल्वर लेकर धमका रहा था, जिसे ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस को हवाले किया। गढ़वा में बरडीहा थाना प्रभारी को बालू लदे ट्रक को रिश्वत लेकर छोड़ने के मामले में निलंबित कर दिया गया। गुमला में नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 4 वाहन को जलाया। यह मामला पालकोट प्रखंड का है। लातेहार में एक युवक पुलिस के सामने हथकड़ी खोलकर फरार हुआ, जिसे जवानों ने दौड़ाकर पकड़ा। उग्रवादी को मिलेगा 2 लाख रुपए का अनुदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान के रूप में 2 लाख रुपए देने का प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और आत्मसमर्पण करने को कहा है। नियमों का पालन नहीं करने पर मिली छूट ले ली जाएगी वापस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में भी लॉकडाउन 5.0 के दौरान कुछ छूटें दी है। राज्यों में ऑटो रिक्शा और टैक्सी का छूट दी गई है, हालांकि बस सेवा शुरू नहीं की जाएगी। साथ ही कुछ हिदायतों का पालन करना अनिवार्य बताया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे तथा रियायतों पर कड़ी नज़र रहेगी। लोग उल्लंघन करेंगे तो दी गई रियायत वापस भी ले जा सकेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें।